नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसके ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके अपकमिंग जो एंट्रांस एग्ज़ाम है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसमें स्पेशली हम वीएड एंट्रांस, एमएड एंट्रांस, टैट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये रहेगा। तो आप एंड तक बने रहे इस लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस को। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे इस लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द मेन एम ऑफ टीचिंग शुड बी, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, आपके हिसाब से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू डेवलप ओनली थिंकिंग, क्या सिर्फ थिंकिंग को डेवलप करना, या फिर टू डेवलप ओनली रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग को डेवलप करना, या फिर बोथ ए एंड वी, या फिर ऑप्शन डी टू गिव इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी। जो मेन एम होता है टीचिंग का, इसमें हमने जो डेवलप करनी है थिंकिंग को भी, और साथ में हमने जो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करनी है रीजनिंग को भी। सो दोनों थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप करना ही मेन एम है टीचिंग का। सो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा है एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु, एक जो इफेक्टिव टीचर है, प्रभावशाली अध्यापक है, अगर किस प्रकार से, अगर उसके गुण हैं, तो ऑप्शन ए कंट्रोल द क्लास, जो अपनी क्लास को अच्छे से कंट्रोल करता है, या फिर मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, या फिर स्टूडेंट्स को लर्निंग से रिलेटेड मोटिवेट करता हो, या फिर ऑप्शन सी करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली, जो भी असाइनमेंट्स वो चेक करते हैं उनको केयरफुली करेक्ट करते हैं, या फिर ऑप्शन डी गिव मोर इन्फॉर्मेशन लेस टाइम, या वो कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके हिसाब से एक अच्छा टीचर कौन हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। एक अच्छा अध्यापक वही माना जा सकता है जो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा मोटिवेशन, उनके अंदर मोटिवेशन, उनकी शिक्षा से, उनको सीखने से रिलेटेड उनको और ज़्यादा मोटिवेट करे, वही एक इफेक्टिव टीचर माना जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल शुड बी, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन लेवल में, आपके ऑप्शन है टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, या फिर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है अपने अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए, या फिर टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, या फिर उनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी को डेवलप करना जो डिसीजन को ले सके, या फिर ऑप्शन डी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, या फिर उनको मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि वो लेक्चर के समय क्वेश्चन रेज करें। तो आपके हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टीचिंग का हायर एजुकेशन लेवल पे? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। हायर लेवल पे आपको पता होगा कि टीचिंग या फिर टीचर का मेन मोटिव होता है कि आने वाले जो समय में स्टूडेंट अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजन हो उनको अच्छे से ले सकें, इसके लिए जो कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप करना है ताकि अपनी लाइफ या फिर गोल से रिलेटेड जो भी उनके डिसीजन है उनको अच्छे से वो ले सके। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपर्ट विद हिज स्टूडेंट्स वाई, एक टीचर अपने स्टूडेंट के सामने किस प्रकार से अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है? ऑप्शन है पेइंग द रोल ऑफ ए गाइड, या फिर गाइड के रूप में वो एक रोल निभा सकता है, बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है उसकी मैन फिगर के रूप में वो पेश कर सकते हैं, या फिर बिकमिंग अ फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट के फ्रेंड के रूप में संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल, स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना अपनी नॉलेज और स्किल के साथ। आपने बताना है कि एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल। जो टीचर होता है उसके अंदर जो नॉलेज और स्किल के द्वारा अपने स्टूडेंट को वो इम्प्रेस कर सकता है, उसी प्रकार एक छात्र और अध्यापक के बीच में
अच्छे से संबंध इसमें स्थापित हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो शिक्षा का एक शक्तिशाली उपकरण है, आपने बताना है कि शिक्षा का एक शक्तिशाली उपकरण क्या है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ दीज। जो शिक्षा का एक शक्तिशाली उपकरण है, इसके अंदर सोशल, कल्चरल और पर्सनल सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होने आवश्यक है। नेक्स्ट, वैल्यू एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, जो मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है, किस स्थान पे वैल्यू एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग अ स्टूडेंट्स टू गेट जॉब, या फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। आपने बताना है कि मूल्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज। वैल्यू जो एजुकेशन है इम्पॉर्टेंट है, इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज या फिर सद्भावना की जो भावना आती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू एजुकेशन की मैं बात करूँ तो वैल्यू एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा पीपल गिव, जो लोग होते हैं वो आपस में जो मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू लर्नर टू इंटरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी को अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है। आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी वो प्रोसेस है जो शिक्षार्थियों को, जो स्टूडेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करने की अधिक स्वतंत्रता या उनको फ्रीडम देता है। यूज़ ऑफ फिल्म, लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, या फिर ऑप्शन डी, विंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी, जो कंट्री वाइज जो क्लासरूम प्रोग्राम है उनको टीवी पे देखना। तो इनमें से कौन सी वो प्रोसेस है जो शिक्षार्थी को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन सी, स्मॉल ग्रुप जो डिस्कशंस होती है, स्मॉल ग्रुप्स जो डिस्कशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देती है स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, जिससे कि एक दूसरे को अच्छे से वो जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज, एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार है। आपने बताना है कि एक प्रभावी जो क्लासरूम होता है उसका वातावरण या फिर किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसके अंदर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर ऑप्शन बी, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शांति उस क्लासरूम में होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, हर प्रकार की जो टीचिंग एड्स वहाँ पे होनी चाहिए। लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन अच्छा होगा तभी आपका जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट इफेक्टिव माना जाएगा। सो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, जो कक्षा कक्ष का संचार होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक या फिर जनरल सेंट्रिक। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा होना चाहिए एक सामान्य, ना कि स्टूडेंट की अधिक मोनोपोली होनी चाहिए, ना टीचर की, ना ही टेक्स्ट बुक बेस्ड होना चाहिए। ऑलवेज़ जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन जनरल होना चाहिए, जिसमें हर प्रकार से हम, जिसमें डिस्कशन हो सके, उसमें चाहे वर्बली हो, नॉन वर्बली हो या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो। नेक्स्ट, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट फ्रॉम, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया से उत्पन्न होना चाहिए। जो कक्षा के अंदर अंतःक्रिया से क्या उत्पन्न होना चाहिए, आइडियाज़, आर्गुमेंट, इन्फॉर्मेशन या फिर ऑप्शन डी, कंट्रोवर्सी। अब आप क्लासरूम में होंगे, आपके अंदर जो इंटरेक्ट करने के बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आपके अंदर एक नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वही मेन मोटिव होता है क्लासरूम में आपके नए नए आइडिया को जो उनमें लाना या फिर उनकी खोज करना। नेक्स्ट, टीचर इज़ नॉन सक्सेसफुल इफ़, एक अध्यापक को सक्सेसफुल माना जाता है अगर इम्पार्ट नॉलेज टू देयर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज जो देता हो, या फिर हेल्प स्टूडेंट टू बिकम अ गुड सिटीजन, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है एक अच्छे नागरिक बनने में, या फिर ऑप्शन सी, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, या ऑप्शन डी, प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, या फिर सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज करना है वेल मैनर में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जो प्रेजेंट करता हो अपने जिस भी सब्जेक्ट का टीचर हो उनको अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तभी एक टीचर को सक्सेसफुल माना जा सकता है। नेक्स्ट,
If any student of your class is misbehaving and disturbing the whole class, what behavior you should opt? अगर आपकी कक्षा में जो या फिर क्लास में कुछ एक स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहे हैं, जो कि और स्टूडेंट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस समय आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उनके प्रति? यू शुड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। यू शुड एक्सपेल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास, या फिर आप उन स्टूडेंट को क्लासरूम से बाहर निकाल देंगे। यू शुड आइसोलेट द स्टूडेंट, या फिर आप उन स्टूडेंट को आइसोलेट करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, यू शुड इग्नोर द बिहेवियर, या फिर आप उनके बिहेवियर को इग्नोर करेंगे। तो उसमें एज अ टीचर आपकी क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए? सो ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यू शुड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। आप पहले तो उनको कहेंगे कि अपने इस बिहेवियर को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप एक बार से उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, कि अगली बार से इस प्रकार का बिहेव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड अ टीचर शुड फॉलो व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम, कि टीचर को कौन सा मेथड अपनाना चाहिए जब कक्षा या फिर क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ रहे हो। अ टीचर शुड आस्क अ मैनी एज क्वेश्चन पॉसिबल, टीचर को क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए जितने पूछ सके। या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इज फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपने जो टीचर होगा वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही पूछेगा। मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम पीरियड, या फिर कुछ एक जो मीनिंगफुल क्वेश्चन होंगे उनको ही पूछेंगे फिक्स टाइम पीरियड में। एज मे मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितने भी क्वेश्चन हो सके वो पूछ सकते हैं। उसमें टीचर को कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। उसमें टीचर को इस प्रकार का मेथड अपनाना चाहिए जिसमें कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस को ही पूछें, क्योंकि टीचर के पास फिक्स टाइम पीरियड होगा, उसमें जो मीनिंगफुल ही क्वेश्चन होंगे उनको ही पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड टीचर, निम्न में से आपने बतानी है कि वह कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छे अध्यापक के या फिर शिक्षक के पास होनी चाहिए। ही शुड एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, वह अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, वह हमेशा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसके नेचर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ही शुड बी लर्न पर्सन, या फिर एक शिक्षित जो पर्सन होना चाहिए, शिक्षक के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। ऑप्शन सी, ही शुड हैव पेशेंस इन हिज नेचर, शिक्षक के अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे काफ़ी प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर एक टीचर के अंदर या फिर अच्छे टीचर के अंदर पेशेंस होगा, तभी उस टीचर के अंदर या फिर उस टीचर को एक अच्छा टीचर माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइवली सिचुएशन इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, आपने बताना है कि निम्न में से कौन सी वह मोस्ट लाइव सिचुएशन है क्लासरूम एनवायरनमेंट की। ऑप्शन है साइलेंस इन द क्लासरूम, बिल्कुल शांति, डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन, या फिर डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, शिक्षक और छात्र के बीच में डिस्कशन, या फिर हंसी मजाक होता क्लासरूम में, जो लाइव सिचुएशन होती है क्लासरूम की, डिस्कशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, तभी जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा माना जा सकता है, या फिर उस लाइव सिचुएशन को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज़ द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू एस्टेब्लिश रैपर्ट विद स्टूडेंट, कि कौन सा वे जो वे है जिसके द्वारा टीचर स्टूडेंट के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के फ्रेंड के रूप में, टू बिकम अ गाइड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के गाइड के रूप में, या फिर टू बिकम अ रूलर ऑफ स्टूडेंट, जो उनके रूलर के रूप में, टू बिकम अ डिक्टेटर इन द क्लास, या फिर एक तानाशाही, जो तानाशाही रूप पेश करना, किस प्रकार से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है। राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी, to become a guide of student। अगर एक टीचर एक स्टूडेंट का गाइड के रूप में या फिर प्रेरक के रूप में उसके समक्ष पेश होता है, तो वे अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अ टीचर, आपने बताना है कि निम्न में से वे कौन सी सिचुएशन है जो कि मोस्ट चैलेंजिंग है टीचर के लिए। टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर इफेक्टिव बनाना, या फिर डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में जो डिसिप्लिन को मेंटेन करना, या फिर ऑप्शन सी एडजस्टमेंट विद लर्निंग एनवायरनमेंट, या फिर एडजस्ट करना है जो शिक्षण संबंधित जो भी वातावरण होता है, या फिर ऑप्शन डी प्लानिंग ऑफ टीचिंग, कि किस प्रकार से आगे टीचिंग करनी है उसका प्लान करना। तो निम्न में से कौन सा वह मोस्ट जो चैलेंजिंग सिचुएशन है टीचर के लिए, इसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है टीचर के लिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। काफ़ी जो चैलेंज रहता है टीचर के पास कि किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा क्लासरूम में आपको जो हर प्रकार के स्टूडेंट्स मिलेंगे, उसमें आपको जीनियस कैटेगरी के भी मिलेंगे, उसमें कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको काफ़ी जो इजी उनको समझ ना आए, तो आपको सबको साथ लेके एक जो इफ़ेक्टिव टीचिंग को बनाना है वही उसके लिए एक टीचर को चैलेंज रहता है। सो राइट आंसर रहेगा टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, कि किस प्रकार से उसको इफेक्टिव बनाया जाए। नेक्स्ट, व्हेन अ स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, हाउ शुड टीचर बिहेव विद हिम। अगर एक स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन को पूछ रहा है क्लासरूम में, तो उसमें टीचर का बिहेव कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, कॉल द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, या फिर आपने स्टूडेंट को बाद में आने के लिए बोलना है, या फिर ऑप्शन बी, एनकरेज द स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर उस स्टूडेंट को की सराहना करनी है कि उसने क्वेश्चन पूछा, या फिर ऑप्शन सी, एनकरेज द स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन हिम और हिमसेल्फ, या फिर उस स्टूडेंट को आप एनकरेज करेंगे कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसको अपनी तरफ से या फिर अपने आप से सॉल्व किया जाए। आस्क हिम हर नॉट टू आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, या फिर आप उस स्टूडेंट को कहेंगे कि आप आगे से इस प्रकार आप जो क्वेश्चन को बार बार ना पूछें, तो उसमें एज अ टीचर आपका बिहेव कैसा होगा? सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, एनकरेज द स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आपने उस स्टूडेंट को एनकरेज करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि आपने क्वेश्चन को पूछा, तभी एक स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आएगा कि और आगे से वे इसी प्रकार के क्वेश्चन को रेज करते रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इफ़ योर स्टूडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़। सो आपने उस समय क्या करना है अगर आपके स्टूडेंट क्लासरूम में या फिर उनका इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है, एज अ टीचर आप क्या करेंगे उस समय? यू विल ट्राई टू मेक योर टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, आप कोशिश करेंगे अपने टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने की, या फिर ऑप्शन बी, यू विल इग्नोर द सिचुएशन, या फिर उस सिचुएशन को आप पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, या फिर इसमें ऑप्शन सी, यू विल ट्राई टू चेंज योर टीचिंग मेथड्स, या फिर एज अ टीचर आप अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, यू विल ट्राई टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट, या फिर आप उसमें ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्लासरूम या फिर स्टडी में क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने इसमें बताना है कि एज अ टीचर आपके क्लासरूम में स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है, तो आप उस समय क्या करेंगे? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यू विल ट्राई टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट। एज अ टीचर आप उसमें उस स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट स्टडी में नहीं हो रहा है उसका रीज़न ढूंढेंगे कि क्यों एक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट उसके द्वारा जब पढ़ाया जाता है क्लास में उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। सो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही रहेगा, आप जो रीज़न ढूंढेंगे इस जो स्थिति से रिलेटेड। नेक्स्ट, इफ़ द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन देन व्हाट शुड अ टीचर डू। अगर स्टूडेंट आपके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, तो उसमें आप टीचर हैं आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आस्क ईजियर क्वेश्चन, और ईजी जो क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, या फिर पुनिश द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पुनिश करेंगे, या फिर पास द क्वेश्चन टू अदर स्टूडेंट, या फिर उस स्टूडेंट को छोड़ के आप उस क्वेश्चन को अगले स्टूडेंट के पास पास करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, आस्क द स्टूडेंट टू सिट डाउन एंड टेल द करेक्ट आंसर हिमसेल्फ, या फिर आप उस स्टूडेंट को कहेंगे बैठ जाओ और जो राइट आंसर उसका होगा वो खुद ही बता देंगे। उसमें आप क्या करेंगे एज अ टीचर? राइट आंसर आपने बताना है इसका ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पास द क्वेश्चन टू अदर स्टूडेंट। एज अ टीचर आप उसमें अपना जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को अगले स्टूडेंट के पास पास करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो इससे काफ़ी लंबी हो रही है, इससे आपका इंटरेस्ट भी इसमें नहीं बनेगा। बाकी जो क्वेश्चन अदर बचते हैं वो आपके साथ में अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको लेक्चर में क्या कमियां रही, किस प्रकार से अपने लेक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, या फिर कौन सी और चीज़ों को इसमें ऐड किया जाए। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।